हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास 9 से हम आपको चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.6 के क्वेश्चन करके दिखाएंगे। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। मैं अपना क्वेश्चन बुक से पढ़ता हूं, आप अपनी बुक से पढ़ें। कह रहा था कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज्ड सिलिंड्रिकल वेसल 1 मीटर हाई इज 15.4 लीटर। मतलब आपको सिलेंडर का कैपेसिटी दिया हुआ है, तो सबसे पहले सिलेंडर बनाता हूं। ये लीजिए और इसका मैं हाइट का डिनोट करता हूं h और रेडियस का डिनोट करता हूं r। और इसका हाइट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 मीटर और इसका कैपेसिटी दिया हुआ है। कितना कैपेसिटी है? वो है 15.4 मीटर। ठीक है, कैपेसिटी हो गया 15.4 लीटर। इसको पहले मीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा, इसको वॉल्यूम बोलोगे। अब रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है कि 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। तो 1 लीटर कितना होगा? 1 अपॉन 1000 मीटर क्यूब। अपने पास कितना लीटर है? 15.4 लीटर है। तो 15.4 लीटर कितना होगा? अगली बार ज्यादा ही होगा 1 से, तो क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आपके पास आ जाएगा 15.4 अपॉन 1000 मीटर क्यूब, जो कि हमारे लिए क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। अब क्वेश्चन में निकालना क्या वो देखते हैं। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। अब क्योंकि क्लोज सिलेंडर है ना, तो सारी सरफेस बनानी पड़ेगी। तो सारी सरफेस बनाने का मतलब है हमें चाहिए TSA का फॉर्मूला, जो कि होता है 2 पाई r h प्लस r। अब चेक करते हैं कि हमारे पास सारी चीज है। h हमारे पास है, r हमारे पास नहीं है, लेकिन देखो वॉल्यूम तो है। तो पहले वॉल्यूम को यूज करके r निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई r स्क्वायर h, जो हमारे पास कितना है? 15.4 अपॉन 1000। ठीक है, चाहो तो उसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, जो कि है 1, 15.4 अपॉन 1000। तो आर स्क्वायर कितना होगा? 15.4 इंटू 7 के अंदर 22 आएगा नीचे, इंटू 1000 और इंटू 22। तो यहां से हमारे पास आर स्क्वायर का सीधा वैल्यू आ रहा है 0.0049। यहां से आर निकालिए, अंडर रूट ऑफ 0.0049 हो जाएगा। और ये कितना आएगा आपके पास? देखो इधर ध्यान से, अगर सॉल्व करके दिखाऊं तो पॉइंट आया, उससे जगह 1 लग गया। पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, मैंने भी 4 जीरो बना दिए, तो देखो कितना आएगा, 7/100, दैट इज इक्वल टू 0.07। तो रेडियस आ गया मेरे पास 0.07। अब मुझे क्या निकालना था? टोटल एरिया। इसको बनाने के लिए मैंने क्या कहा था? क्लोज सिलेंडर है ना, तो TSA का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 पाई r h + r। फॉर्मूला हो गया 2 * पाई * r, अभी निकाला 0.07 और h + r, तो 1 + 0.07। ये कितना आएगा? देखो 2 इंटू 22/7 इंटू 0.07 इंटू 1.07, और ये सॉल्व करके पूरा आ रहा है 0.4708 मीटर क्यूब। ये देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लॉजिक से दिखता था कि जो कैपेसिटी हमें लीटर्स में दिया हुआ था, पहले उसे मैंने मीटर क्यूब में चेंज किया। इस मीटर क्यूब को यूज करके मैंने रेडियस निकाला, और फिर रेडियस निकाल के मैंने इसका TSA निकाला। क्वेश्चन फिनिश हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल मैथ्स फिलीज को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।